जैसे कृष्णा, नीलम के किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हम ऐसी मिठाई जो हर कोई को पसंद है, बड़े बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हम बना रहे हैं मोतीचूर के लड्डू। सौंफ दानेदार मुंह में जाते घुल जाए और इसे बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगी, तो चलो बनाते हैं। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए हमने ये एक कटोरी बेसन लिया है और इसे हम इसमें डालेंगे। और पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छे से घोल बना लेंगे। घोल यानी बेटर बना लेंगे। देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छे से बैटर बना लिया है और हमें इस तरीके का ही चाहिए। ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। इसे हम 5 मिनट के लिए, रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें हमने देसी घी डाल दिया है। आपके पास जो हो ले सकते हैं, आप तेल में भी बना सकते हो, घी भी आपके पास जैसा हो वैसा ले सकते हैं। गैस चालू कर दिया, घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ये देखिए, हमारे घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें ये बेटर को 5 मिनट हो गया है और ये हमारा बेटर अच्छे से फूल गया है। अब इसे हम डाल देंगे एक एक चम्मच इस तरीके से। इस तरीके से डाल देंगे। जितना बेटर आए जितना डालना है। तो हमने डाल दिया है। अब इसे हम एक साइड से अच्छे से सकने देंगे। अब हम इसको पलट देंगे। एक साइड से ये सिक चुकी है, इसे हम पलट देंगे। और इसका हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। ये देखिए, ये हमारी पकौड़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अच्छे से सिक चुकी है। ये देखिए, हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, अच्छे से सिक चुकी है, वापस से डाल देंगे। इस तरीके से एक एक चम्मच लेंगे बेटर और डालते जाएंगे। ये देखिए, हमने डाल दी है। अब इससे भी हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो गई है और हमारे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से सिक चुके हैं। ये देखिए, इसे भी हम निकाल लेंगे और इस तरीके से सारे पकौड़े तल लेंगे। ये देखिए, हमने सारे बैटर के पकौड़े तल लिए हैं। और ये देखिए, अब इसे हम ठंडी होने देंगे। तो ये देखिए, हमारी पकौड़ी ठंडी हो गई है। अब हम लेंगे ग्राइंडर जार और इसमें हम डाल देंगे सारी पकौड़ी, हम इसमें डाल देंगे और इसे हम पीस लेंगे। दरदरा सा पाउडर नहीं बनाना है हमें, दरदरे से पीसना है। ये देखिए, हमने सारे पकौड़े को पीस लिए हैं और हमने इस तरीके से पीसा है, पाउडर नहीं करा है। बिल्कुल बूंदी दिख रही है इसमें, लग रहा है बूंदी जैसा। तो इसे हम साइड में रखते हैं। अब बनाएंगे हम चाशनी। तो हमने जिसी कटोरी से बेसन लिया है उसी कटोरी से हमने चीनी ली है। एक कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी डाल देंगे। और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ये देखिए, चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसे हम अच्छे से, एक तार की चाशनी नहीं बनानी हमें, एक तार बनने लग जाए जब तक इसे हमें पकाना है। तो मैं चेक करती हूँ, अभी तो थोड़ी देर और पकाना है इसे। तो हमने थोड़ी देर और पका ली है
अब चेक करते हैं हमारी चाशनी को। ये देखिए इसका तार बनने हल्का हल्का सा तार बनने लग गया है। ये देखिए अब इसे हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। इस तरीके की हमें चाशनी चाहिए और नहीं पकानी है। तो अब गैस बंद कर देते हैं और अब डालेंगे हम जो हमारे बूंदी हमने बना कर रखी है, तो थोड़ी थोड़ी करके डाल देंगे सारी को। ये देखिए हमने सारी बूंदी बनाई वो डाल दी है और इसे हम मिलाएंगे और वापस से गैस चालू कर लेंगे। और मैंने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला है, मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। आपको फूड कलर डालना हो तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। हमने गैस चालू कर दिया है वापस से। अब इसे हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाना है हमें। ये देखिए 2 मिनट के लिए हमने पका लिए है और ये देखिए चाशनी को सोख लिए हमारे बूंदियों ने। अब इसे हम ठंडा होने देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तो ये हमारे ठंडा हो गया है, अब इसके हम लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाने से पहले मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। वैसे भी कोई ज़रूर नहीं इसमें घी डाले, तो हमने इसको घी में ही तले फ्राई करे हैं। फिर ऊपर से घी डालने से और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो इसके हम लड्डू बनाएंगे अच्छे से मिलाकर। अब इसके हम लड्डू बनाए हैं और लग रहे हैं बिल्कुल बूंदी जैसे, कोई बता ही नहीं सकते आपने इसे बूंदी से नहीं बनाए हैं। और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट लगेगी। ये देखिए ये बना लिया हमने लड्डू, और हम दूसरा लड्डू भी बना कर तैयार करेंगे। इसे हम रख देंगे, आपको जितना बड़ा चाहिए उससे हिसाब से बना सकते हैं और आराम से बन जाते हैं। इस तरीके से बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं और लग रहे हैं बिल्कुल मार्केट जैसे। तो ये हमारे बूंदी के लड्डू बनके तैयार है। सॉरी, बूंदी के नहीं मोतीचूर के लड्डू बनके तैयार है। और कोई बता ही नहीं सकते ना इससे बगैर बूंदी बनाए हैं। इसे हम काजू, तो इसे हम काजू और पिस्ता से हमने सजा दी है। तो फ्रेंड मोतीचूर के लड्डू तो हर कोई को पसंद है, लेकिन बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इस तरीके से बनाना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है और बिल्कुल दानेदार बनके तैयार होएगा। तो आज की ये मिठाई मोतीचूर के लड्डू मैंने खासकर मेरी बेटी के लिए बनाए हैं। आज उसके बर्थडे है और उसको बहुत ज़्यादा पसंद है मोतीचूर के लड्डू। आप भी बना सकते हैं इस तरीके से, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे बिल्कुल मार्केट जैसे। तो आपको मैं एक लड्डू तोड़ कर दिखाती हूँ कितना अच्छा दानेदार बन के तैयार हो। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और दानेदार। तो फिर ये देखिए, तो फ्रेंड आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।